और जरा आज के बाजार पर एक नजर डालें, आज बाजार की क्लोजिंग कैसे रही। हमने देखा चौतरफा बिकवाली से बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 284 अंक गिरा 24,199 पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 836 अंक लुढ़ककर 79,541 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने 400 अंकों का आज गोता लगाया और 51,916 पर बंद हुआ। मेटल, फार्मा, आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। बाजार में भारी गिरावट के पीछे कौन से स्टॉक्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, बता रही है जानिए। आज शाम होने वाली फेड मीटिंग से पहले और साथ ही साथ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आज देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में ही जो प्रेशर था बिल्डअप होता हुआ दिखा था, तीनों की जो क्लोजिंग हुई है वो रेड में होती हुई देखी। निफ्टी, सेंसेक्स दोनों में ही देखें तो करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट आज दोनों ही इंडेक्स में आई है। वही बैंक निफ्टी में भी करीबन 0.8% तक की गिरावट आती हुई दिखी थी। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में ही प्रेशर बनता हुआ दिखा था। अगर आप निफ्टी में आज जो लूजिंग एंड पे कौन से स्टॉक्स थे उसकी बात करें तो हिंडालको और ट्रेंड दोनों ही काउंटर्स में नतीजों का असर दिखा। हिंडालको जो की जो सब्सिडियरी नोवेलिस के कमजोर नतीजों के बाद स्टॉक में 8% तक की गिरावट आई। वही ट्रेंड के कमजोर नतीजों के बाद करीबन 6% तक की गिरावट है। श्रीराम फाइनेंस ग्रासिम में भी आज बिकवाली होती हुई दिखी थी। गेनर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके नतीजे काफी अच्छा आए थे कल, उसके बाद आज स्टॉक में करीबन 7% तक की गेंस के साथ क्लोज होता हुआ दिखा है। रिजल्ट एक्शन की बात करें तो वेंकीज और बाजार स्टाइल रिटेल, इन दोनों के ही नंबर्स मार्केट के दौरान आज आए थे, उसके बाद स्टॉक में आज कमजोर नतीजों के बाद गिरावट आती हुई दिखी। वही सेंचुरी, एनका और एनसीसी, बाजार बंद होने के कुछ देर पहले इनके नंबर्स आए थे और काफी अच्छे नंबर्स आने के बाद स्टॉक में अच्छा स्पाइक आता हुआ दिखा था। अगर खबरों के शेयर्स की बात करें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, एमएससीआई ने अपने रिव्यू का ऐलान किया था जिसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का अनुमान था कि कंपनी को एमएससीआई इंडेक्स में शामिल कर सकते हैं, लेकिन शामिल नहीं होने पर आज स्टॉक में भारी पिटाई होती हुई दिखी। करीबन 10% नीचे ये काउंटर क्लोज होता हुआ दिखा है। वही जेएसडब्ल्यू एनर्जी और बीएससी एमएससीआई के स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हुए, उसके बाद स्टॉक में एक्शन है। वही वोकार्ड ने अपनी क्यूआईपी लॉन्च करी डिस्काउंट में, उसके बाद स्टॉक में आज करीबन 5% तक का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा था। अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स की बात करें तो दो ऐसे स्टॉक्स है जो लगातार पिछले दिनों काफी अच्छे गेन्स दे रहे थे लेकिन आज ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है, प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज, इन दोनों ही काउंटर्स में देखें तो आज गिरावट आती हुई दिखी। 7-8% तक के स्टॉक्स की में गिरावट आती हुई दिखी। ग्लेनमार्क फार्मा, ब्लू स्टार में भी आज गिरावट थी। गेनर्स की बात करें तो केईसी इंटरनेशनल और आईटीआई, ये दोनों ही काउंटर्स में आज सुबह से खरीदारी थी, करीबन 7-11-14% तक की तेजी इन दोनों ही काउंटर्स में आती हुई दिखी आज।